जी हाँ नमस्कार दोस्तों, बेहद ही बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। दरअसल बड़ी खबर के दौरान भाई के निधन के बाद 12वें दिन दिल्ली से सरदार शहर आ रहे दो बिजनेसमैन दोस्तों को सड़क घटना के दौरान मौत घोषित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार ट्रक ने ही बोलेरो को भिड़ंत की है और इस घटना के दौरान बोलेरो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। यह घटना राजस्थान के चूरू जिले के नैनसर गाँव के पास की बताई जा रही है। मौके पर पहुंचे सरदार शहर थाने के ASI गिरधारी लाल ने बताया कि चूरू के धीरासर गाँव के रामचंद्र बागड़िया 35 वर्षीय पुत्र जेतराम और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के अंकित गुर्जर 37 वर्षीय नोएडा से आ रहे थे। गुरुवार सुबह करीब 6:30 बजे सरदार शहर तारानगर रोड पर नैनासर गांव के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि मौके पर ही अफरा तफरी का माहौल बन गया था और लोगों की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और क्रेन की मदद से ट्रक को हटवाया गया और करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद बाहर निकलवाने के बाद PM के लिए भिजवा दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस घटना की सूचना के बाद दोनों के परिवारों में गम का माहौल बन गया है और पूरे परिवार सहित पूरे गाँव में कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि रामचंद्र के परिवार सरदार शहर से हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के अंकित के परिवार के सदस्य अभी आने में समय लगेगा। इसके बाद ही दोनों की PM प्रक्रिया शुरू करवाई जाएगी जिसके दौरान आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट में अपनी राय जरूर दें।